अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है जिसमें उसने 2-1 से बढ़त बना ली है। इस सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच गुरुवार 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। इस बीच टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और वनडे उप कप्तान रोहित शर्मा के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, हिटमैन शर्मा अब पिता बन चुके हैं। रोहित की पत्नी रितिका ने 30 दिसंबर की रात बेटी को जन्म दिया। इस खुशखबरी के बाद रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। बीसीसीआई ने जारी संदेश में बताया कि रोहित अब चौथे टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे और 8 जनवरी को वनडे सीरीज की तैयारी के लिए टीम इंडिया से वापस जुड़ेंगे। रोहित की अनुपस्थिति में भारतीय फ्लाइंग 11 में एक बड़ा बदलाव होना तय है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के अंतिम एकादश में शामिल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सिडनी की पिच में स्पिनर्स को मिलने वाली मदद को देखते हुए भारत 2 स्पिन गेंदबाज भी खिलाने पर विचार कर सकता है। इस टीम में अश्विन की भी वापसी हो सकती है। तो भारत की संभावित एकादश कुछ इस प्रकार है। टीम हनुमा बिहारी, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रवि अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, अगर आप खबर पसंद आई तो इसे लाइक करें तथा खबर के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।